चलो पता क्या करते हैं, अभी जाते हैं और फ्रैंकलिन को मिलते हैं, ठीक है ना। उसे मैंने बोला है कि मैं अभी आ रहा हूँ और अभी जाते हैं, उससे पहले मिलते हैं तो वो हमें बताएगा एक के बारे में। क्योंकि उससे जब मैंने कॉल किया उसने ख़ुद बोला है हाँ उसे मैं जानता हूँ, मुझे पता है उसके बारे में। तो अभी जो पहला हम काम करने वाले हैं वो है कि फ्रैंकलिन के पास जाएंगे, उससे पूछते हैं एक कौन है, क्यों इसने मतलब तंग किया हुआ है जिमी को। तो चलो लेट्स गो। और फ्रैंकलिन ने बोला है कि आ जाओ जिधर वो उसका अपनी जी शॉप नहीं है उधर आ जाओ उसके नज़दीक, तो उधर से उसे हम पिकअप कर लेते हैं और फिर चलते हैं घर, क्योंकि उसने अभी जिमी को नहीं देखा। उसे मैं जिमी को भी दिखाऊंगा, पता उसे चले मतलब एक ही ने उसकी हालत चेक की है भाई। तो चलो चलते हैं। और मैंने हमज़ा को बोल दिया कि शोरूम जो है ना बंद कर देना, अभी बंद करने वाला टाइम होने वाला है वैसे भी, तो मैंने कहा चलो टाइम थोड़ा सा निकाल लेता हूँ और फ्रैंक को मिलाते हैं पहले। और मैंने एक और बात पूछनी थी कि जो प्रियस है वो हम अपनी प्रियस बेच ना दें, क्योंकि यूज़ तो हम करते नहीं उसे, ठीक है। जब से मैंने गाड़ी ये क्रोला मेरे पास है ना, मैं इसे यूज़ करता हूँ, ठीक है। प्रियस बिल्कुल यूज़ नहीं कर रहे, सिर्फ घर पड़ी हुई है भाई। मैं तो सोचा उसे बेच दूँ, अभी बेची नहीं है लेकिन बेच देनी है वैसे। और बाइक भी घर में वैसे भी पड़ा हुआ है पता है आपको, और जिमी की कल्टस भी है, तो मेरे अंदाज़ से हमें और ज़रूरत ही नहीं है किसी चीज़ की। चलो उसके बारे में बाद में बात करते हैं, पहले हम पहुँचे हैं जिधर फ्रैंकलिन ने मुझे बोला था, उसने बोला था इधर आ जाना और इधर मीट करते हैं। चलो अभी उसका वेट करते हैं और आ जाता है और फिर बाद में चलते हैं घर, ठीक है। तो उसे फिर दिखाऊंगा जिमी, जिमी से मिलाऊंगा। मैंने कह दी होंगी सी यार शाता करा बना दे। ओ उधर सामने आ गया माइकल, पहुंचा है टाइम पर ही आ गया। मैंने तो सोचा इधर जाऊंगा माइकल पता नहीं किधर होगा। हाँ माइकल टाइम पर ही आ गया, बहुत अच्छी बात है यार। और सुना कैसे जा रहा है बिजनेस? बिल्कुल ठीक ठाक यार जा रहा है। और सुना तुम सुनाओ। हाँ यार सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन मुझे बहुत टेंशन हुई है यार। जैसे तूने बोला कि जिमी को मार पड़ गया किसी से, वो एक के जो तू बोल रहा था उसने उसे मारा है, क्या सीन है, क्या हुआ है? वो तुम्हें अभी मैं बताता हूँ ना क्या हुआ है। सीन ये हुआ, मुझे खुद नहीं था पता, ठीक है। मुझे कॉल आई है और कॉल आई है तो कॉल जो थी वो जिमी की थी, तो लेकिन जिमी था फ़ोन कर रहा, किसी और ने फ़ोन किया और बताया कि जिमी हॉस्पिटल में है, उसका एक्सीडेंट हुआ है। तो मैं तो उधर गया हूँ तो मुझे फिर पता चला है क्या हुआ है यार। चलो गाड़ी में बैठते हैं तो मैं बताता हूँ, आ जाओ। अच्छा चलो ठीक है ठीक है, चलो बैठता हूँ, चलते हैं। किधर जा रहे हैं वैसे? घर चलते हैं ना, तुम्हें मैं जिमी से मिलाता हूँ और तुम्हें दिखाता हूँ उसकी हालत क्या उन्होंने किया उसके साथ। सच्ची तुम देख कर यकीन नहीं करोगे। अच्छा इतनी बुरी हालत की है उसकी यार। चलो ठीक है अभी जाते हैं ना, मुझे दिखाओ। और टेंशन ना लो, एक के बारे में सब कुछ जानता हूँ। अभी तुम्हें बताता हूँ ना, वो एक बहुत ही हरामी बंदा है, ठीक है ना। अच्छा, पहले एक और मुझे बताओ, वो रहता किधर है? इधर लो संतोष में होता है या किसी और जगह पर रहता है? नहीं, वो इधर का नहीं है, वो सैंडी शोर्स का है। वो हरामी इधर का नहीं है, लोस संतोस का नहीं है, वो इधर नज़र भी नहीं आता कभी, वो हमेशा उधर ही बाहर रहते हैं। उधर जब उसे तुम इधर देख लो, उसका मतलब कोई काम करने आया है, कोई चीज़ चोरी करने आए हैं वो। और उन्होंने जो चीज़ चोरी करते हैं ना, वो वापस जाकर उधर बेचते हैं। तुम्हें पता है ये बिजनेस वो करते हैं। अच्छा, मतलब उसका काम ही है बंदूक को मारना और गाड़ियाँ चलाना और चोरी करना, ये वो समझ आ गई। हाँ कुछ ऐसे ही समझ लो। लेकिन पता है क्या बात है? बात यह है कि उस अकेले का कसूर नहीं है, उसका जो अब्बा है ना वो भी ऐसे ही करता है यार। उसने इसे लगाया है चोरी कराना, गाड़ी ले आओ किसी की पकड़ लाओ, और गाड़ी वो खुद जो उसका डैड है वो खुद बेचता है गाड़ी उधर। लेकिन ये भी उधर ही होता है फिर, तो उसे वो बोल देता है गाड़ी चुरा लो, जिसकी अच्छी सी गाड़ी लगती है कहता है चलो ठीक है जाओ उठा लाओ गाड़ी, है तो वो चला जाता है गाड़ी लेने। या फ्रैंकलिन फिर क्या इनकी ज़िंदगी है भाई, तो खुद बोल ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा। अच्छा ये इधर क्या हो रहा है, इधर काम हो रहा है, इधर क्या सीन लगा हुआ है, इधर क्या बना रहे हैं? बिल्कुल नजर तो आ रहा है। क्या इससे बाहर निकल कर पूछूं? पूछ लूं क्या हो रहा है भाई? यार कोई कुछ चीज़ बना रहे हैं इधर, कोई कोई शॉप शॉप खुलने लगी होगी इधर यार दरमियान में। वैसे इधर जो भी चीज़ खोलेंगे ना काम बहुत होगा उसका, दरमियान में यार टाउन के अंदर। हाँ, फ्रैंकलिन नहीं, बात सुनो, मैं खुद बाहर निकलता हूँ और मैं इससे पूछता हूँ इधर क्या सीन है यार। हाँ भाई सब ठीक हो, इधर क्या बन रहा है? हाँ मैं ठीक हूँ। हाँ इधर कोई शोरूम में दासे बांध रहा है। चलो तुम जाओ, इधर क्या कर रहे हो, ट्रैफिक रोक रहे हो, चल चल जल्दी निकलो। हैं चलो चल शाबाश। अच्छा इधर शोरूम बन रहा है, वाह यार बहुत अच्छी जगह है वैसे शोरूम बनाने की, सच्ची टाउन के अंदर दरमियान में, साइड पर रोड भी मेन रोड है। चलो ठीक है भाई मैं जा रहा हूँ, टेंशन क्यों ले रहे हो यार, इतना गुस्सा ना करो, ठीक है, नहीं ट्रैफिक जाम होती।
हाँ फ्रैंकलिन, बात सुनो इधर, वो कह रहा है एक शोरूम बन रहा है, शोरूम गाड़ियों के मिजाज से होगा ना यार, बहुत ही अच्छी परफेक्ट जगह है, जो भी बनाएगा ना फायदा ही फायदा है इधर। ना कर यार, शोरूम बना इधर। वाह यार, बहुत ही परफेक्ट जगह, जैसे तू बोल रहा था, जो भी इधर पाएगा ना अपना शोरूम, वाह 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 वाह, फायदा ही फायदा है उसे। चलो देख लेंगे कौन इधर आता है, किसका शोरूम है, और देख क्या माइंड लग जा लग जा, इसे अभी भागने का शौक हो गया। चल छाड़ ही यार, आलू नेड़े ही आ गए हैं घर दे। हाँ बस पहुँच रहे हैं यार, नज़दीक ही आ गए हैं। हाँ बहुत ठीक है, देख लेंगे कौन इधर आता है, हमारी कंपटीशन ना आ जाए कोई, ये ना हमारी तरह की गाड़ियाँ लेकर आ जाए और हमारा बिजनेस डूब दे। चल वेख लांगे यार, कोई नहीं टेंशन लेनी। वो अच्छा बात सुनो, तुम्हारी प्रियस गाड़ी नहीं नजर आती, किधर आती है वो? अभी ये क्रोला यूज करते हो बहुत। ओ हाँ हाँ वो इधर ही है, वो अभी गैराज में खड़ी है उस तरफ, मैंने इसलिए करोला इधर खड़ी कर रहा हूँ। चलो आ जाओ, वो अभी बेच देनी है यार, इतनी मैं यूज़ नहीं करता, मैं सोच रहा हूँ बेचने की ना। हाँ भेज दो यार, इतनी गाड़ियाँ क्या करनी है तुमने, तुम्हारी तुम्हारे पास है, जिमी की जिमी के पास है, बाइक भी है आप दोनों के पास, जरूरत ही नहीं है गड्डी की। सही गल तुम दसा ना, कौन है? तेरा बाप है, टेंशन ना ले। और जिमी हम लोग हैं, हम लोग हैं, टेंशन क्यों ले रहा है यार? जिमी तेरी तो हालत बहुत ख़राब है यार, क्या हुआ है बोल मुझे भी, किसने ऐसे किया बोल जिमी। चाचू सुनाए, आप ठीक ठाक है ना? और सुनाए कैसे जा रहा है आपका काम शाम, शॉप शॉप सही कर रहा है, बिजनेस सही चल रहा है ना? और तू छोड़ बिजनेस मेरे को, बिजनेस मेरा सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, तेनू होया की है, दस मैनू किन्ने कीता अंज? चाचू जी कुछ भी नहीं हुआ यार, सिर्फ एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, उसकी वजह से, और कुछ भी नहीं हुआ, आप टेंशन ना ले चाचू। बस बस ड्रामे ना करो, मैंने फ्रैंक को सब कुछ बता दिया क्या हुआ है, ठीक है ना? चल चल माइकल छोड़ दे यार, छोड़ दे उसे, क्या करता है वो, देखो यार उसकी हालत देखो, और तुम अभी भी उसे ताने दे रहे हो, मैं खुद उससे बात करता हूँ, तुम रहने दो ठीक है ना? चलो ठीक है फिर, तुम दोनों करो बातें, मैं अभी वापस आता हूँ, ठीक है? मैं कोई चीज़ खा यार या पिया हूँ, बहुत भूख लगी है, पूछ लो उसे अगर कोई चीज़ बताता है तो। मुझे तो उसने सब कुछ भी बताया भी नहीं है, जो सीधी बात है, बहुत कम चीज़ें बताई हैं इसने यार। चलो मैं जूस पीता हूँ, फिर करने दो इन दोनों को बातें। जिमी सच्ची सच अभी भी नहीं बता रहा, मुझे समझ नहीं आ रही ये क्यों सच नहीं मुझे बता रहा, क्योंकि सच्ची बात बताए तो इसकी मदद कर सके ना। चलो देख लेते हैं, अभी फ्रैंकलिन पता कर रहा होगा, पूछ रहा होगा। हाँ फ्रैंकलिन, कुछ बताया इसने या नहीं, क्या बोलता है अभी, क्या बोलता है, एक्सीडेंट हुआ है? माइकल बाल सुन मेरी ठीक है, 2 मिनट चुप रह यारा, मैं उससे बात कर रहा हूँ ना, मुझे बात करने दे, क्या तकलीफ है तुम्हें, बच्चे को तंग करके रखा हुआ है तूने, सच्ची यार। और मैंने अभी कुछ नहीं कहा, सिर्फ तुमसे यही पूछा कुछ बताया या नहीं। चलो करो बातें, मैं नहीं अभी बोलता। अच्छा जी भी बात सुन मेरी, चल सकते हैं ना थोड़ा बड़ा? हाँ हाँ चाचू चल तो थोड़ा सकता हूँ, पहले मैं टॉयलेट गया, चल सकता हूँ, थोड़ी दर्द होती है अभी भी। अच्छा चलो बात सुनो, उठो बाहर चलते हैं, थोड़ा सा मूव करो ना मसल, तो ठीक हो जाएंगे ठीक है ना? चलो उठो। अच्छा एक मैं कोशिश करता हूँ, हाँ अभी ठीक है, इतनी दर्द तो नहीं हो रही। चलो किधर जाना है, मैं आपके पीछे आता हूँ। हाँ फ्रेंड किधर जाना है बताओ यार, किधर जा रहे हैं हम? चलो तुम चलाओ ना गाड़ी, मैं तुम्हें बताता हूँ, वाइनवुड हिल्स नहीं है उधर चलते हैं ठीक है? चलो ठीक है ठीक है, चलो आ जाओ बैठो गाड़ी में, आपको ले चलता हूँ यार, जल्दी बैठ जिमी। हाँ पापा बैठ तो गया हूँ ना, आप क्या यार इतनी दर्द हो रही है, आराम से बैठूंगा ना, आपका दिल है मैं छलांग लगा के अंदर चला जाऊँ, अभी बोला तो है मैं बैठ लो, बैठ तो गया था, 2 मिनट भी नहीं लगा है। हाँ जिमी यार सॉरी यार सॉरी, ठीक है, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो यार? अच्छा बात सुनो, चाचू फ्रेंड को सब कुछ बता दो, जो जो कुछ हुआ था मुझे तुमने बताया, लेकिन सारा नहीं अभी तुमने बताया ठीक है, सब कुछ बता दो जो हुआ था अभी। हाँ अच्छा बताता हूँ, बताता हूँ चाचू को, अभी सारा बता देता हूँ। अच्छा हाँ हाँ बिल्कुल सब कुछ, ना कोई चीज़ छुपानी नहीं ठीक है ना, क्योंकि वो जो लड़के ना उसे मैं जानता हूँ, जिसने तुम्हें मारा है ना, उसका क्या नाम है, एक के, उसे मैं जानता हूँ ठीक है ना, मुझे माइकल ने बताया उसका नाम, मैं उसे जानता हूँ, इसलिए सब कुछ ना कोई चीज़ छुपानी नहीं है ठीक है। अच्छा तो बात सुने, पता है क्या हुआ, पता है ना मैं अपनी गाड़ी जो है ना दिखाने लेके गया अपने दोस्तों को, ठीक है, तो उधर ये लड़का भी तो था एक के जो है, तो मैं जब दिखा रहा था गाड़ी शर्जील को दिखाने गया, ये उधर से इसने मुझे बोला गाड़ी दिखाओ मुझे, चेक कराओ यार, मैं देखता हूँ नई गाड़ी है तो चेक करनी है, थोड़ी सी ड्राइव करनी है, मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, कहता नहीं दो दो दो, फिर वो तंग कर रहा था, मैंने फिर दे दिया, मैंने कहा इसने रुकना नहीं है, तो कहता यू टर्न मार के मैं अभी आया, गाड़ी लेके गया वो वापस ही नहीं आया।
तो फिर दूसरे दिन मैं पापा को नहीं बताया, कुछ नहीं बताया, सुबह उठकर काम पर अकेला चला गया हूँ। फिर मैंने पिछले टाइम गया हूँ गाड़ी लेने, उन्हें उधर उन्होंने मुझे मारा, ठीक है। यही बात है जो मेन है, और मैं आपको कभी और बताता हूँ। अच्छा बात बाद में कंटिन्यू करना, उतर के ना ये टैंक फुल कर दो, ठीक है ना, जल्दी जल्दी। अच्छा मैं कर देता हूँ। अच्छा बात सुनो, चलो अपनी भी बात पूरी करो, ठीक है। और जब तो जब तुम गाड़ी लेने गए थे तब उसने तुम्हें मारा ना, गाड़ी मांगी उसने मना शुरू कर दिया। हाँ तो पता है क्या हुआ, मैं जब उधर गया था ना तो शर्जील मेरे साथ था, हम गए। जब मैं उन्हें उधर देखा मेरी गाड़ी के पास, तो वो बातें कर रहे थे मेरी गाड़ी को बेचने की किसी एक बंदे को। वो उधर खड़ा हुआ था, वो गाड़ी ले रहा था मेरी ना, बात कर रहे थे इतने की नहीं इतने की। मैंने बोला उसी वक्त, मैंने बोला रुक जा ये मेरी गाड़ी है, ठीक है ना, तो ये तुम नहीं बेच सकते, अभी तुमने मेरे से चोरी करके और मेरे सामने बेच रही हो। तो उसी वक्त मुझे कहता नहीं ये मेरी गाड़ी है, मैं तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। तो उसने उसी वक्त, उसके साथ एक और बंदा था, उन्होंने दो बंदे मंगवाए, बात की, उसने बोला इधर आओ इन दोनों को पकड़ लो। वो दोनों आकर शुरू हो गए, बात ही उन्हें सुनी, मैं कह रहा था रुको रुको बात तो सुनो, नहीं उन्हें बात सुनी नहीं है। अच्छा अच्छा ठीक है जी भी माइकल, देखा मैं तुम्हें बोला था ये गाड़ी चोरी करते हैं उसके बाद उसे बेच देते हैं, इसका भी काम ये है, इसका वो डैड है उसका भी वही काम है, दोनों एक ही काम करते हैं, ठीक है। डैड तो इसे बोलता जाओ गाड़ी ले आओ किसी की और भेज देंगे सुबह को। वो सैंडी शोरूम में उनका अपना जैसे कि एक शोरूम रहा है, शोरूम नहीं है लेकिन वैसे ही पेट्रोल पंप है, उसके ऊपर ही लगा देती है गाड़ियाँ, उधर ही बेच रहे होते हैं गाड़ियाँ बाइक सब कुछ बेचते हैं यार। हाँ हाँ यार तुमने मुझे बोला था, बिल्कुल देखा है, जिमी ने भी अभी बोल दिया ना। जिमी देखा है सब कुछ बताओ, कोई टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि मैं खुद इन्हें मिलने जा रहा हूँ और फिर देख लेंगे। अगर इन्हें ना मिले ये नेक्स्ट टाइम तुम्हें फिर तंग कर सकता है, ये बंदा तुम्हें फिर चोरी कर सकता है, तुम्हारी गाड़ी या बाइक कुछ भी हो तुम्हारे पास चोरी कर लेगा, क्योंकि उससे पर तुम कुछ नहीं करोगे। तो मैं खुद इनसे मिलूंगा, ठीक है ना। चलो हम वैसे भी पहुँच आए हैं, चलो अभी इधर क्या करना है फ्रैंकलिन, इधर ही खड़ी कर दूँ क्या? हाँ हाँ इधर ही खड़ी कर दो बस, ठीक है माइकल इधर ही ठीक है। हाँ चलो आ जाओ दोनों बाय, तो आके बताओ क्या करना है, इधर इधर बैठना है क्या सीन है, इधर ही बैठे हैं, इधर से वैसे देखो यार व्यू देखो बहुत अच्छा है यार भाई, इसके ऊपर ना चढ़े यार, क्या बोलते हो? मुझे दर्द हो रही है, मैं कैसे चढ़ूंगा, आप दोनों चढ़ जाओ पर फिर मैं नीचे बैठता हूँ। चलो ठीक है यार तुम्हारी मर्जी, मैं तो चला ऊपर, ऊपर से देखते हैं यार, ऊपर से वैसे व्यू बहुत अच्छा होगा, मैं कभी भी इसके ऊपर नहीं गया यार, हमेशा इधर से हम गुजरते हैं लेकिन कभी ऊपर नहीं गया। चलो मैं तो ऊपर जा रहा हूँ फ्लैट में, तुम दोनों की मर्जी जो करना है कर लो। हाँ नहीं नहीं जिमी भी आएगा, टेंशन नहीं लेनी, जिमी को मैं अपने साथ लेके आता हूँ। जिमी बात सुनो, मैं तुम्हें उठा लेता हूँ, ठीक है ना, ऊपर चलते हैं, कुछ नहीं होता, मैं उठा के तुम्हें लेकर जाऊँगा, टेंशन नहीं लेनी। चाचू उठा तो लिया अभी, आराम से, ठीक है आराम से जाना प्लीज़, पता है ना आपको मुझे दर्द अभी भी थोड़ी थोड़ी हो रही है। हाँ हाँ यार जिमी क्यों यार टेंशन इतनी ले रहे हो, तुम्हें मजा कराता हूँ यार। वैसे चाचू अगर दीदी से इधर से गिरे तो मैं दास से मेरी टांगें टूट जाएंगी और बैग भी टूट जाएगा, टूटा नहीं है पहले, थोड़ा सा बच गया था लेकिन अगर इधर से गिरे ना जरूर टूटेगा, है ना। और ऐसी बातें नहीं करते यार, मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हें चिल कराता हूँ, ये तुम्हारा जो डैड है ना तुम्हें मज़े नहीं कराता, इसलिए तुम इसे कोई बात नहीं बताते, हमेशा झूठ बोलते रहते हो, सारी बातें बताएगा घर यार। चलो उतरो जल्दी उतरो। जी चाचू उतर गया उतर गया, ये ले। अच्छा अभी इसके ऊपर जाना है, मैं इधर ना रुक जाऊँ? चल चल आ जाओ मेरे पीछे आ जाओ, ऊपर कुछ नहीं, तुम ऊपर आओ ठीक है ना, मैं इधर ही हूँ ना, जल्दी आओ। जिमी यहाँ आ, ड्रामे ना कर। अच्छा एक मिनट आ रहा हूँ आराम से, अभी थोड़ी सी दर्द हो रही है वैसे। अच्छा इधर, वाह क्या यार देखो क्या व्यू है यार। चलो बात सुनो दोनों बैठ जाओ, आ जाओ मेरे साथ। ओ माइकल बैग है यार, क्यों टेंशन ले उन्हें, चुप कर दो दो मिनट जा, अपना माइंड दे विच पीस आन दे थोड़ा जा। चलिए फ्रैंकलिन शुक्रिया आपको इधर लेके आने का, डैड तो मुझे कभी भी नहीं लेके गए, और अभी मेरा दिमाग बहुत ही जो है ना शांति में है यार, थैंक यू चाचू। और वो तो मुझे पता है इसने कभी भी तुम्हें बाहर नहीं लेके गया, ये ना हमेशा अपने काम में बिजी रहता है, इसलिए तो फिर तेरा बेटा तुझे झूठ बोलता है। माइकल कुछ शर्म कर ले, समझाइए ना, शर्म कर ले, तुम्हें रोज़ बताता हूँ, आइंदा से टेंशन लेनी। जिमी मैं तुम्हारे साथ जाऊँगा बाहर, ठीक है, हम एवरी वीक चलेंगे बाहर फिरने, ठीक है ना, टेंशन तुम्हें लेनी। अच्छा अच्छा चाचू, अच्छा चाचू थैंक यू। हाँ यार चाचू ये देखो यार, रात को इसका व्यू उससे भी अच्छा हो गया यार, देखो चंद नज़र आ रहे, तारे नज़र आ रहे, ऐसा सीन मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा, थैंक यू फिर आपका बहुत अच्छा फ्रैंकलिन। हाँ हाँ चाचू को बोलो थैंक यू, मुझे मत बोलना, मैं आप दोनों को लेके इधर आया हूँ
और इस दुनिया में भी मैं ही तुम्हें लेके आऊँ, मुझे कभी नहीं थैंक यू मिला। इतना पागल लड़का ये। माइकल बस कर यार, अभी लड़ाई शुरू कर दिया, तुम्हें तो मौका मिले, चलो नीचे चले, आ जाओ चलो। अच्छा तुम दोनों बातें करते रहना कि जाना है घर, टाइम देखो ऊपर से क्या होगा, जाके सोना, सुबह शोरूम भी खोलना है यार जिमी। चलो चले फ्रैंकलिन, चलो यार अभी चलेंगे, छोड़ दो, टाइम देखो क्या हो गया, नीचे उतर आए, अभी घर चलते हैं। मैं तो बैठने को, जल्दी करो, मैं गाड़ी मूव करता हूँ, सीधी करता हूँ, दोनों जल्दी आओ। अच्छा मेरी बात सुनो, जब भी तुम्हें ज़रूरत हो मुझे कॉल किया करो, कोई प्रॉब्लम मुझे बताया, ठीक है? और नेक्स्ट वीक हम फिर चलेंगे, ठीक है? नेक्स्ट वीक बाहर चलेंगे फिरने टूरने, ठीक है? मज़े करने, ठीक है चाचू, मज़ा आएगा नेक्स्ट वीक।